पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा कि वे लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। अगर टिकट मिली तो अपने बेटे और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव चिरंजीव राव को भी रिवाड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाएंगे। वे आज अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा ने सत्ता संभाली है, तब से प्रदेश का बुरा हाल है और हर कोई सरकार को बुरी तरह कोसने में लगा हुआ है। इसी को लेकर कांग्रेस कमेटी द्वारा 22 जनवरी से रिवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में पोल खोल पदयात्रा शुरू की जाएगी, जिसके तहत गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाकर लोगों के सामने सरकार की कमियों को उजागर किया जाएगा। वहीं भारी भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरबीर सिंह द्वारा रिवाड़ी के तहसीलदार को सस्पेंड करने के मामले पर उन्होंने कहा कि आखिर अभी तक इस मामले पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही और सरकार क्यों चुप्पी साधे हुए है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में नौकरियों को लेकर भी सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। रिवाड़ी से अजय अत्री, आजाद टीवी न्यूज। ऐसा है कि मैं तो लोकसभा के लिए तैयारी कर रहा हूँ पूरी, ठीक है, लेकिन चिरंजीव जी पूरे लोकसभा के अंदर यूथ को साथ जोड़ने के लिए जो है रथ यात्रा कर रहे हैं। चिरंजीव जो पद यात्रा कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि जो सरकार की जो खामियां हैं उसको उजागर करना और ग्रास रूट लेवल पे अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं हमारे जो ग्राउंड लेवल पे उनको प्यार करना और यूथ को साथ जोड़ना। मेन जब तक जो है यूथ जो है आज हर वर्ग परेशान है, चाहे आप किसान है, आपका चाहे आपके नौजवान है, चाहे वो कर्मचारी है, बेरोजगार भत्ता आज तक नहीं दिया, 6,000 से 9,000 रुपए देने की बात की थी। और सबसे बड़ी बड़ी बात है भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है। अभी तहसीलदार जो है उसके आरोप लगे, उसको सस्पेंशन के लिए नरबीर सिंह जी कह के गए, कुछ नहीं हुआ। जीएम रोडवेज है उसके खिलाफ लोग धरना में बैठे हुए हैं। तो सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे, उसके विपरीत चल रही है सरकार।